दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते शुक्रवार को कथित आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत पर रिहा हुए थे। सीएम केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद अचानक ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उनकी इस घोषणा ने सभी को चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि वे दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उनका यह ऐलान देश की राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा धमाका साबित हो रहा है। केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए जनता से सवाल किया कि क्या वे उन्हें एक ईमानदार नेता मानते हैं। और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी जगह पार्टी का कोई अन्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने दिल्ली चुनाव आयोग से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने इस पर हमला बोलते हुए केजरीवाल के इस्तीफे को एक पब्लिक स्टंट करार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सीएम केजरीवाल अपनी बेगुनाही साबित करेंगे और दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली की विधानसभा भंग नहीं होगी और आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री चेहरे का चयन किया जाएगा। ऐसे में ये भी कहा जाने लगा कि केजरीवाल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीएम पद के लिए आगे कर देंगे। लेकिन केजरीवाल ने ऐसी तमाम अटकलों को खारिज करते हुए ये भी साफ कर दिया कि चुनाव तक सिसोदिया भी कोई पद नहीं संभालेंगे। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं। अब सवाल ये आता है कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। तो आपको बता दें, सीएम पद की इस रेस में 5 बड़े नाम शामिल हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज सीएम की कुर्सी के लिए मुख्य चेहरे हो सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए कैलाश गहलोत का नाम भी है, जो इस समय दिल्ली के परिवहन और पर्यावरण मंत्री हैं। इसके अलावा एक नाम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी चल रहा है। बीजेपी भी इसे लेकर दावा कर रही है कि केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन सबसे आगे मुख्यमंत्री पद के लिए राखी बिरला का नाम चल रहा है। राखी बिरला एक ऐसी चेहरा है और पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुर्सी सौंपी जा सकती है। ये पहली बार नहीं है जब सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव हुए थे। 8 दिसंबर 2013 को नतीजे आए, जिसमें भाजपा 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि उन्हें बहुमत नहीं मिला, आपको 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते हुए सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनने के 49 दिनों के बाद ही कांग्रेस और आपका गठबंधन टूट गया और केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। फिर अगले ही साल यानी 2015 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली की राजनीति सीएम अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ऐलान से और भी गर्माती जा रही है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले का क्या नतीजा निकलता है, ये फैसला जनता और विपक्षी पार्टियों पर क्या असर डालता है और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है।